सो हेलो SBWB गैंग, अजय भैया हियर। सबसे पहले तो मुझे पता है भाई, अभी थोड़े से ज्यादा आप टेंस हो गए होंगे। ठीक है, मैंने एवरग्रीन टॉपिक्स वगैरह सभी चीजें आपको दे दी है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी कंफ्यूज्ड है कि भैया हम लर्निंग कैसे करें यार। लास्ट मोमेंट पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस प्रकार से लर्निंग करें। देखो स्टूडेंट्स, मैं कुछ 8 पॉइंट्स यहाँ पे लिख के लाया हूँ, और ये पूरे अखे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेंगे। बेस्ड ऑन माई पर्टिकुलर एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। मैंने मेरे 2015 में जब मैंने मेरे 10th की एग्जामिनेशन दी थी, और आज के भी समय पे अगर मैं कोई चीज लर्न करने जाता हूँ या फिर मुझे याद करनी होती है, तो मैं इन टेक्निक्स को फॉलो करता हूँ। कोई भी साइंटिफिक नहीं है, चैट जीपीटी से कुछ भी डाउनलोड नहीं किया है, कुछ भी नहीं है, अपना घर का है, घर का माल है सब। तो अच्छे से वीडियो एंड तक देखना है। और स्टूडेंट, सबसे पहले तो एक लंबी सांस ले लो भाई, ले लो, ठीक है, काम डाउन, सब एकदम सही होगा, टेंशन लेना नहीं। वाई फियर वेन अजय भैया इज हियर, अभी अच्छे से सुनना। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हिस्ट्री में 9 चैप्टर्स है, मैं सभी को यही निवेदन करूंगा कम से कम आपके 7 चैप्टर्स तो भी पूरे पक्के करके रखो। ठीक है, 9 चैप्टर्स भले ही नहीं हो रहे, अगर किसी का 9 के 9 चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, तो लाला तू तेरे 7 चैप्टर्स तो भी कंफर्म करके रख। ठीक है, क्लियर है, इसको बोलते हैं 80-20 रूल। अभी सबसे पहले, ज्यादा समय नहीं लूंगा, फटाफट आऊंगा। सबसे पहले वॉच समरी डाइजेस्ट के ऊपर वाला बॉक्स, मतलब कि जो भी आपके पास नवनीत का डाइजेस्ट है, या फिर आपके पास मास्टर की है, या फिर विच एवर डाइजेस्ट यू हैव, उस डाइजेस्ट के ऊपर हर एक लेसन की पहले समरी होती है। वो समरी एकदम अच्छे से पढ़ लेना, आपको समझ में आएगा कि हिस्ट्री के ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है, इसमें क्या क्या चीजें दिए गए हैं, और वो समरी में जो इंपॉर्टेंट दिया जाया, या फिर जिसके बारे में बार बार उल्लेख किया गया है, बार बार बताया गया है, वही आंसर्स आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। उसके बाद रीड क्वेश्चन थ्राइस इन ऑर्डर टू नो द कॉन्टेक्स्ट। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन नहीं देखते, हम सीधा लर्निंग करने बैठते हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा, तो वही चीज आपको मिस्टेक नहीं करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को 3 बार रीड करो, 3 बार क्वेश्चंस को रीड करो, हर एक क्वेश्चन को 3 बार पढ़ो, और समझ के लो कि साला भाई क्वेश्चन में बताया क्या गया है, क्वेश्चन पूछा क्या गया है, हम बस आंसर रटने बैठ रहे हैं लेकिन क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। तीसरा, शिफ्ट टू आंसर्स एंड रीड इट लाउड बाय कीपिंग योर इंडेक्स फिंगर, मतलब कि घूमते घूमते पढ़ो, या फिर एक जगह पे बैठे हो तो जोर जोर से रीड करने की कोशिश करो, मतलब आप जो बोलते हो आपकी आवाज आपके कानों तक आनी चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरी ही आवाज मेरे को मेरे कान में आ रही है, समझ में आ रहा है, तो रीड लाउड करना है और इंडेक्स फिंगर से ही रीड करना। ठीक है, ऐसे जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, अभी जैसे मेरे पास ये डेटा है, तो मैं क्या करता हूं, मैं ऐसे रीड करूंगा इसको। ठीक है, ऐसे रीड करूंगा, मतलब फिंगर रख के मैं क्या करने वाला हूं, इसको रीड करने वाला हूं। क्लियर है सबको, तो ये चीजें प्लीज ध्यान में रखनी है, फिंगर रख के रीड करूंगा। अभी क्यों, इंडेक्स फिंगर जो होता है वो अपना प्रीफ्रंटल जो कॉर्टेक्स होता है उससे बहुत ज्यादा रिलेट होता है। जिसने भी स्टूडेंट्स न्यूरोलॉजी की स्टडी की होगी, मैं बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ता हूँ न्यूरोलॉजी की, या फिर दिमाग के बारे में, तो स्टूडेंट जो इंडेक्स फिंगर होता है, जब भी हम देखो, हम भी कोई भी अगर हम किसी को उंगली भी दिखा दे कि देख भाई ये, देख भाई वो, तो हमको पावरफुल महसूस होता है। सो इस फिंगर में बहुत ज्यादा पावर है, तो जब भी आप लर्न करोगे तो इंडेक्स फिंगर रख के रीड करना। आप बोलोगे भैया कुछ भी फेंक रहे हो, फेंक नहीं रहा हो लाला, ट्राई करना, ट्राई एंड टेस्ट करना। उसके बाद ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द मैटर गिवन इन द आंसर, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर में क्या किया गया है उसको अच्छे से समझ के लो, और अपने मदर टंग में उसको अंडरस्टैंड करो। मतलब सपोज मैं मारवाड़ी हूं, तो मैं मारवाड़ी भाषा में पढ़ूंगा, इंग्लिश में पढ़ूंगा, मराठी में, लेकिन मारवाड़ी भाषा में खुद को ट्रांसलेट करूंगा, वो आंसर समझ के लूंगा। फिगर आउट कीवर्ड्स इन द आंसर्स एंड अंडरलाइन दैट एंड ट्राई टू मेक सेंटेंसेस अराउंड इट, कीवर्ड्स अंडरस्टैंड करना, कीवर्ड्स अंडरस्टैंड होने के बाद कीवर्ड्स पहचानना कि क्या इंपॉर्टेंट है उस पर्टिकुलर लाइन में, और उसके अराउंड सेंटेंस फ्रेम कर लेना। मतलब कि सपोज 6-3 मार्क का है, 6 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, हर एक पॉइंट में स्टूडेंट्स एक एक कीवर्ड होता है, वो कीवर्ड को अच्छे से पहचानो कि हाँ भाई पहले पहले पॉइंट में ये आना चाहिए, मतलब आना चाहिए, तो वो डाल दिया आपने, वो कीवर्ड डाल दिया, तो उसके अराउंड सेंटेंस फ्रेम करते आपको आना चाहिए, ये दिमाग में रखना। 6, ट्राई टू लर्न इन पॉइंट्स एंड ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू अदर्स, मतलब क्या करना, लर्न करना, खुद पॉइंट वाइज लर्न करना और दूसरों को समझाना। अगर घर में कोई दूसरा नहीं है व्यक्ति, तो क्या करना, कांच के सामने जाना, मिरर के सामने, सपोज ये जैसा मेरा अभी टीवी है, तो मैं इसके सामने बोलूंगा भाई देखिए ऐसा ऐसा था, ये ऐसा ऐसा था, समझे क्या। तो ये चीजें ट्राई करना, टेस्ट योर सेल्फ बाय राइटिंग और गिविंग इट टू समवन, मतलब लर्न देना या फिर खुद ही लिख के निकालना आंसर्स, जो जो एवरग्रीन दिए पहले तो वो कर लेना, खुद ही लिख के निकालना आंसर्स, मतलब खुद की टेस्ट हो जाएगी। रिमेंबर मुश्किल लगेगा बट नामुमकिन नहीं है, ठीक है, मैंने एक क्या यार फालतू सा डायलॉग मारा है,
ठीक है, मुश्किल तो है मतलब थोड़ा सा, बट नामुमकिन नहीं है, ये चीजें ध्यान में रखना है। धीरे धीरे चीजें करो, जो जो चीजें मैंने बोली है उसको प्लीज पॉइंट आउट करो। देखो स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा हूं मैं आप सभी की, आपको भी पता है आप भी मेरी हेल्प कर ही रहे हो वैसे, बट या ये हम म्यूचुअली कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। जिनको भी लर्निंग नहीं जमता है तो भाई ये चीजें शेयर करो। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, जाओ फटाफट से जो जो टेक्निक्स बोली है लर्न कर लेना और कल के पेपर में फोड़ के आना। ऑल द वेरी बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन, मिलते हैं तब तक, पीस।